आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार के बारे में दोनों सदनों को जानकारी दी। सभापति महोदय, क्योंकि मुझसे बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद कुछ अच्छी बातें धर्म की बता रहे थे, मैं अपनी बात वहां से नहीं शुरू करता, लेकिन क्योंकि बात उन्होंने शुरू की, वो किताब बहुत बड़ी होगी जहां से आपने पढ़कर के यहां सदन में सुनाया है, मेरी जानकारी हो सकता कम हो, जो आखिरी शेर उन्होंने पढ़ा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई या रोती जो भी है, मैं केवल माननीय सांसद से ये जानना चाहता हूं ये कौन से शायर का ये शेर था। अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। बात में पूछ लीजिए। सभापति महोदय, यही कमी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, यही कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना शानदार अपने नेता के बारे में आपने शेर पढ़ा, और शेर किसने लिखा ये नहीं जानते आप? अगर इन्होंने लिखा होता तो यमुना पे लिखते, बंबई पे लिखते। ये सही बात है कि मुंबई में बहुत दिन रहे हैं। ये जिसने भी लिखा है, क्योंकि वो पन्ना इन्होंने नहीं पलटा जिस पन्ने से देश में संदेश जाता, शायद किसी पन्ने पे ये भी लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। वो हिंदोस्तां जिसमें हम और आप रह रहे हैं। फिर इन्होंने कुछ बहुत लंबी बातें बताई, मैं उन्हीं का कोट करना चाहता हूं जो बातें अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी, और केवल ये नहीं भारतीय जनता पार्टी, अक्सर सरकार के लोग ये बात कहते हैं। मैं 1893 का विश्व धर्म संसद में जो स्वामी विवेकानंद जी ने चौथे दिन भाषण दिया, वो सबसे छोटा भाषण था जो 20 सितंबर को दिया गया। उन्होंने कहा संसद में, और मैं वो कोट करना चाहता हूं, पूरब की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत धर्म से जुड़ी नहीं है, उनके पास धर्म की कमी नहीं है, लेकिन भारत की लाखों पीड़ित जनता अपने सूखे हुए गले से जिस चीज के लिए बार बार गुहार लगा रही है वो है रोटी। वो हमसे रोटी मांगते हैं लेकिन हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं। भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है, भूखे व्यक्ति को तत्वा मीमांसा की शिक्षा देना उसका अपमान है। ही कोट। देखो, अगर बोलोगे तो लंबा हो जाएगा, छोड़ दो, आप बोलते रहो, क्योंकि धर्म संसद की जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही वो उस तरफ से आई, तो मैंने बात को आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं, अच्छा है, दिल लगा रहेगा इनसे थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ विकास की बातें हम भी बोलेंगे इन्हें। मैं जब अभिभाषण पढ़ रहा था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात कही गई, उन्हें याद किया गया भाषण में। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद किया जाए, वो गुजरात से चल करके न केवल भारत और दुनिया में जो उन्होंने सिद्धांत दिया, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया, और सोचिए आज हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। सत्य खत्म हो गया, अगर कोई चीज साबित करनी है तो हिंसा का सहारा लो। मैंने अपने करीब से देखा कि कैसे हिंसा का सहारा लिया जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए। वहीं राष्ट्रपति जी अभिभाषण में मेरी सरकार कहकर के लोहिया जी को भी याद किया, और लोहिया जी की समता समाज का दर्शन। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत याद कर रही है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं।
लेकिन कम से कम अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को आप मानते हैं और अगर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज में उनका नाम लिख दिया, तो कम से कम उन्होंने जो एक किताब लिखी थी, एक किताब उन्होंने लिखी और कहा कि हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज का दर्शन क्या है, वो शायद किताब कभी उठा करके नहीं देखी होगी। मैं सभापति महोदय कहूंगा कि इस सदन में हम लोग देखें ना देखें उस किताब को, लेकिन कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी वो उस किताब को पढ़ें और देखें क्या लिखा। पूरी किताब पढ़ लेंगे तो साइज समझ में आ जाएगा। मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि समय मेरे पास उतना नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी बात को पहला पैराग्राफ कोट करना चाहता हूं और वही सच्चाई है हमारे समाज की। और उन्होंने कहा, उस किताब में लिखा पहला पैराग्राफ में मैं कोट करता हूं कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरता की लड़ाई है, पिछले 5000 सालों से भी अधिक समय से चल रही है और उसका अंत अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोशिश नहीं की गई जो होनी चाहिए थी कि इस लड़ाई को नजर में रखकर हिंदुस्तान के इतिहास को देखा जाए, उसे बुना जाए। लेकिन देश में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय उदारवादी और कट्टरपंथियों की लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा वे बट गए, अक्सर उनमें रक्तपात हुआ और थोड़ा या बहुत दिनों की लड़ाई के बाद वे झगड़े पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हिंदू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरवादियों का झगड़ा चला आ रहा है, जिसमें कभी एक जीत होती है कभी दूसरे की। खुला रक्तपात तो कभी नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा आज तक हल नहीं हुआ और झगड़े के सवालों पर एक धुंध छा गई है। ये पैराग्राफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा, उनकी किताब है हिंदू बनाम हिंदू। अगर इतना बड़ा दस्तावेज में उनका नाम आ जाए और वो क्या चाहते थे वो नहीं आए, और जहां समाजवादी रास्ता दिखाने की बात कही, जो आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास तीसरा जोड़ दिया, न सबका साथ लिया इन्होंने और न सबका विकास किया, और लोगों के अंदर समाज के अंदर शक पैदा कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं क्योंकि आदरणीय राष्ट्रपति जी वहां से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से हैं। हम जानना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश में कितना हो रहा है और कितना विश्वास पैदा किया है आपने। आप एक्सपर्ट हैं, जो अंग्रेजों ने किया, जो अंग्रेज करते थे कि बांट के राज करो, आपने बांटा और राज किया। कभी हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, कभी बांट दिया हमें और हमारे भाइयों को। जनगणना हो रही है, जनगणना होने जा रही है, और जनगणना होते समय अगर हमें ये ना पता लगे हम कितने हैं तो ये बेईमानी होगी। अभी एक माननीय सांसद कुछ समय पहले कह रहे थे कि एक समय पर हुई थी जाति की जनगणना, 1931 कभी हुई, उसके बाद कभी नहीं हुई। मैं सभापति महोदय आप भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहूंगा कि एक बार कांग्रेस ने भी कोशिश की थी जनगणना की, हम नेताजी सब लोग इसी सदन में मांग की थी कि जाति आधार पर गिनती हो जाए, वो कांग्रेस ने भी नहीं माना और मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानेगी इसको, क्योंकि हमारी सच्चाई है वो। हम क्यों छिपाना चाहते हैं उन चीजों को? क्योंकि हम इसलिए छिपाना चाहते हैं, जो साथी कह रहे हैं 300 आ गए, वो बताएं हमें कि प्रमुख सचिव जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे आते हैं, भारत सरकार में अपॉइंट हो गए, आपके कितने अपॉइंट हो गए ये बता दो हमें, कितने हो गए आपको? क्या आप नहीं देख रहे हो कि कौन आपका हिस्सा ले रहा है? अगर डॉक्टर लोहिया जी को लिख रहे हैं आप, तो क्या लोहिया जी ने नहीं कहा कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, सौ में पावे पिछड़े 60, बताओ हमारे लोग जानते, सब जानते हैं, तो कहां रास्ता भूल गए आप? और जो बात विकास की कर रहे हो, मैं तो सदन के सामने कहता हूं
कि इस समाजवादी सरकार में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना। मैं उस समय भी कहता तो आज भी कहता हूं, हमारे सांसद चले हैं उस पर, और जो चलता है वो बिना तारीफ के आगे बढ़ नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने देश के दूसरे हिस्से में मुमकिन क्यों नहीं कर पाए, आप दूसरे हिस्से में क्यों मुमकिन नहीं कर पाए। मुझे याद है उस समय के सर्वश्रेष्ठ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय गडकरी जी मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम भी बनाने जा रहे हैं। मुझे याद है हमारे नेताजी बैठे हैं यहाँ पर सदन में, जिस समय शिलान्यास कर रहा था मैं, इन्होंने कहा कि हम शिलान्यास तो करते हैं लेकिन उद्घाटन की तारीख भी बताते हैं। और उस समय जब शिलान्यास किया तो आपने शर्त रखी क्या उद्घाटन भी इसका होना चाहिए 24 महीने के अंदर। सभापति महोदय, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे 23 महीने में बना करके खड़ा कर दिया, और जब उसका उद्घाटन हुआ तो नेताजी थे और सुखोई और मिराज उतार करके दिखा दिए। देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे, और वो केवल सड़क नहीं थी, हमने किसानों के लिए उसके आसपास मंडी दी थी, क्योंकि मैं शहर को जोड़ जहां शहरों को जोड़ रहा था वहीं खेती कैसे जुड़ जाए उससे, एक मॉडल तैयार किया था। मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल तो हमें सड़क पे दिख रहा है कि गुजरात मॉडल क्या था। और जो मैं तो आपसे कहता हूं, अगर एक्सप्रेस वे भी ये चल देंगी तो ये भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगी। मैंने मंडियां बनाना शुरू किया, आलू की मंडी, लेकिन सरकार जो आई उसने बंद कर दी। मैं हारा क्यों मैं जानता हूं, और जो हार जान जाता है वो जीतता भी है। और मैं कहता हूं कि सभापति महोदय, पहली आम की मंडी बन रही थी और प्रधानमंत्री जी खुद आए लखनऊ में, उन्होंने कहा कि मलियाबाद का आम अच्छा होता है, मलियाबाद का आम जा सकता है दुनिया में, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने वो मंडी का काम रोक दिया। एक बार आलू की मंडी आगे बनी है, 100 एकड़ में आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगता। हमारे ITC के उस समय के वो मिले हमसे, हमसे कहा कि हम यहाँ पर एक प्लांट लगाएंगे, लेकिन वो मंडी वहां काम रोक दिया। मैनपुरी में जाकर के हमने अनाज की मंडी बनाई, वो काम रोक दिया। ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी मंडी बनाई, उसका काम रोक दिया। और फिर परफ्यूमरी हमारे क्षेत्र कन्नौज, जहाँ का इत्र दुनिया में जाना जाता है, वो परफ्यूमरी का पहला प्लांट लगाने जा रहे थे, वो भी बंद कर दिया। और इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 3 लाख के MOU साइन हो गए, आया जमीन पर कुछ भी नहीं, कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया है। और आज जब मैं फ्लाइट में अखबार को पलट रहा था, अरे गांधी के प्रदेश के रहने वाले लोग, आप कह रहे हो देश का एक अखबार, उसमें कह रहे हैं कि आप 4 एक्सप्रेसवे दैट कवर द एंटायर स्टेट। अरे मैं तो यूपी का ही नहीं रहने वाला हूं लगता है, कहां पे 4 एक्सप्रेसवे आप लोगों ने बनाए हैं। डिफेंस एक्सपो में कह रहे हैं आप 4 एक्सप्रेसवे बनाए, और मैं यकीन कहता हूं, यकीन दिलाता हूं, ये सब वही हैं जो समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे या दूसरे हमारे साथियों ने शुरू किए थे। आपका कुछ भी नहीं है। और जिस रिवर फ्रंट पे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जी को ला रहे हैं, एक बार चीन के राष्ट्रपति को लाए थे आप, एक बार मैं दो बातें खत्म करूंगा सभापति महोदय, और मैं समाप्त कर दूंगा। प्लीज समाप्त कीजिए। आई नो मुझे पता है, मुझे पता है। कुछ दिन पहले चीन के राष्ट्रपति आए थे, एक झूला झूल रहे थे एक रिवर फ्रंट के ऊपर, और उसके बाद सुना है कि कोई और भी आ रहा है। लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूं सभापति महोदय, वो रिवर फ्रंट कुछ भी नहीं है जो लखनऊ की राजधानी पे गोमती के रिवर फ्रंट पर बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा और मेरा मन नहीं किया उतरने का अहमदाबाद में, मैंने कहा कि क्या उतरूं मैं इस पर। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, देखिए जो बात सबसे महत्वपूर्ण बात गंगा की, इस दस्तावेज में गंगा का नाम ही नहीं। बताओ गंगा माँ का नाम ना हो, और शायद इसलिए नाराज होंगे कि गंगा माँ ने इस बार आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे लिए बहुत सारी माएँ हैं, धरती माँ है हमारे लिए, भारत माँ है, गंगा माँ है। हम गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े, मैंने देखा बुजुर्गों को कि जब चारपाई पे उठते थे तो वो जमीन को पहले पूछते थे, जमीन के पैर लगाते, हाथ लगाते थे, धरती पूछते थे। आपने गंगा माँ के नाम पर क्या नहीं कहा, और गंगा माँ के नाम पर कुछ भी नहीं इस दस्तावेज में।
क्या वो नाराज हैं आप गंगा माँ से, ये बताइए। और मैं कहता हूँ गंगा माँ को तब साफ कर पाओगे गंगा मैया को जब आप यमुना साफ कर लेंगे। बताओ यमुना कब साफ होगी, बताओ काली नदी कब साफ होगी, और केवल गंगा माँ नहीं भारत की नदियाँ कब साफ होंगी। अरे सेल्फी लेने गए थे, कूड़ों के ढेर लगे हैं, कृपया समाप्त कीजिए। लोग कूड़ों पे सेल्फी ले रहे हैं, नाम बोल रहा हूं, नामों पे सेल्फी ले रहे हैं। आप सोचिए गंदे नाले जा रहे हैं उसके अंदर, हमारे हमारे यहाँ लोग सेल्फी ले लिए नाले के साथ, ताकि नाला खत्म हो गया, हम नाला नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने गंगा माँ को भुला दिया, जिन्होंने गंगा माँ को धोखा दिया, मंत्री और गन्ने का ठीक है, तो गन्ने के क्षेत्र के हैं, गन्ना भूल गए आप और भगवान विष्णु को पढ़ते रह गए। अरे भगवान विष्णु को मिठाई नहीं खिलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आदरणीय श्री, ये गन्ना का कुछ नहीं किया इन्होंने, धान नहीं खरीदा। आप बताइए मटर पैदा है खेतों में, क्या आपका सहयोग है, क्या सहयोग है आपका। इसलिए सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूँ। ये दस्तावेज जनता के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है, सत्य का नहीं है हिसाब किताब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ सभापति महोदय का।